कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे हो, बहुत खुश मिस अंदाज में हो। वेलकम टू माय चैनल। और अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और हम उठ चुके हैं। उठ तो एक्चुअली हम बहुत पहले ही गए थे, बट ना दूध वगैरह पिए तो फिर अभी ना थोड़ी थोड़ी सुबह सुबह ठंडी वाली हवाएं चलती, कहीं पानी गिर गया होगा ना तो उसकी वजह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, तो उठने का मन नहीं कर रहा था। बस उठ के दूध बनाए हैं, दूध और टोस्ट खाए हैं, उसके बाद हम लोग बस ऐसे लेटे रहे। और मैं एक अपना वीडियो था जिसको मैं आज लाइव करने वाली हूँ, तो मैं उसी को एडिट कर रही थी, तो मैंने उसको एडिट कर दिया हुआ है। अब मेरा जब टाइम होगा, मतलब मैं 12 से 1 बजे के बीच में ही लाइव करती हूँ सारे वीडियो, तो अभी मैं उसको मतलब 2-4 घंटे बाद जब टाइम हो जाएगा मेरा तो मैं तब लाइव कर दूंगी उसको। तो आप लोग वाला वीडियो देख लेना। और अभी मैं जाऊंगी नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि अभी ना मतलब दूध पिए हुए भी हमको आधा घंटा हो गया, एडिटिंग वगैरह कर रहे थे तो आधा घंटा तो ऐसे ही निकल गया। अभी जाऊंगी मैं नाश्ता बनाने के लिए, और आज नाश्ते में बनाने जा रही हूँ पोहा। तो पोहा तो हनी बनाते हैं, तो वो ही बनाएंगे। बस मैं कटिंग चॉपिंग जो भी है वो उनका करके दे दूंगी। और आज मेरे बालों में आपको दिख रहा होगा ना, मैंने बहुत सारा वाला तेल डाला हुआ है, कल नाइट में डाला था मैंने, क्योंकि आज सर धुलना है, आज वीकेंड है ना, तो मतलब वीकेंड है तो धो लूंगी। वैसे भी तो मैं हफ्ते में 3 दिन तो मैं सर धोती धोती हूँ, नहीं तो मेरे बाल बहुत ज्यादा टाइट होते हैं। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं सर नहीं धुल पाती हूँ, फिर बहुत ज्यादा टाइट बाल हो जाते हैं। बट अभी तो फिलहाल मैं घर पे ही हूँ ना, तो अभी तो मैं धुल लूंगी, वो कंटिन्यूस धुल भी रही हूँ। अभी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले धुला था, और मैंने कल का गैप किया और मैंने कल ऑयलिंग की, और आज मैं फिर से धुल लूंगी। और बस तो अभी मैं सर धुलने जा रही हूँ, मतलब नहाने जाऊंगी तब मैं सर धुलूंगी। और अभी मैं कटिंग चॉपिंग कर देती हूँ, और आज बनाएंगे पोहा नाश्ते में, तो वो तो हनी बनाने वाले हैं। तो अभी मैं पहले जाके कटिंग और चॉपिंग कर देती हूँ, और मैं चली जाती हूँ नहाने के लिए, तो फिर जो उनका काम रहेगा वो करते रहेंगे, पोहा बन जाएगा तो बस पोहा खा लेंगे, क्योंकि आज तो पोहा हनी बनाएंगे। और अभी मैं जा रही हूँ, अपना बाल्टी में पानी चालू कर देती हूँ, जब तक मैं कटिंग चॉपिंग कर देती हूँ वो हो जाएगी, तो फिर वो बना देंगे। और जब तक कि मैं नहाकर आ जाऊंगी तो फिर मैं पूजा वूजा भी कर लूंगी, तो फिर खाने को हो जाएगा। और अभी मैं चलो फटाफट से मैं कटिंग और चॉपिंग कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने प्याज आलू हरी मिर्ची को कट करके रख दिया हुआ है, और यहाँ पर मटर और मूंगफली के दानों को गला के रख दिया, और कटोरी में थोड़े से ऊपर से डालने के लिए प्याज भी कट कर दिया हुआ, और पोहा भी गला के रख दिया हुआ है। कढ़ाई को भी मैं गैस पर रख दे रही हूँ, उनको सारी चीज़ें मैं दे देती हूँ, बस वो अपना गैस ऑन करेंगे और बस अपना बनाना स्टार्ट कर देंगे। ऑयल वॉयल सब कुछ मैंने उनको निकाल के दे दिया हुआ है, बस वो अब बनाएंगे, अपने प्रोसेस करेंगे जैसे भी वो बनाते हैं। आलू वगैरह जैसे सेकना होगा, मतलब तलना होगा, वो जैसे भी बनाते हैं वो आप लोग रेसिपी आगे देख लेना, क्योंकि ना आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि आप ना कांदा पोहा की रेसिपी शेयर करना, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये बना रहे हैं तो मैं, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे थे कि आप ना भैया की रेसिपी दिखाना, जीजू की रेसिपी शेयर करना कि वो पोहा कैसे बनाते, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये बना रहे हैं तो मैं पूरा शूट कर लेती हूँ और आप लोग साथ रेसिपी शेयर कर देती हूँ। तो यहाँ पर ये देख लो कि कैसे बनाते हैं इन्होंने तेल में जीरा डाला, उसके बाद प्याज हरी मिर्ची और आलू डाला, उसको अच्छे से भून लिया, उसके बाद जो मटर और मूंगफली थी उसको भी मैंने उन्होंने डाल दिया, और थोड़ा सा नमक डाल के इसको पकने दिया। और इसके बाद पोहे में इन्होंने हल्दी डाल लिया हुआ था, और मतलब अगर आपके पास धनिया पत्ती तो इसी में ऐड कर लेना, और थोड़ी सी शक्कर इसमें उन्होंने ऐड करी और अच्छे से मिलाया। और इसके बाद जब ये अच्छे से भुन गए थे सारे, जो मतलब प्याज और हरी मिर्ची आलू वगैरह, उसके बाद इसमें उन्होंने पोहा ऐड कर दिया, और बस अच्छे से हल्के हाथों से उन्होंने इसको हिलाया है। और इसके बाद 2-3 मिनट पानी डाल के, मतलब 2-3 छिड़काव कर दिया था पानी की बूंदों का, और इसके बाद उन्होंने ढक के रख दिया हुआ है। और इसके बाद उन्होंने इसमें ऐड कर दिया है नींबू और थोड़ा सा जो मैंने प्याज कट के रखा हुआ था वो, और अब इसको कढ़ाई में मिक्स कर लेते तो बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है। और आज मैंने आप लोगों के साथ हनी की पोहा की रेसिपी भी शेयर कर दी, कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट सेशन में बताना है। और मेरे थोड़े थोड़े से बाल गीले थे ना, तो मैंने ऐसा ऊपर वाला जो जूड़ा होता है ना वो बना लिया है, और नीचे के बाल जो है ना उनको खुला रखा हुआ है, और नहाने के बाद मैंने कपड़े वपड़े जो धुले थे ना उन सबको मैंने रख दिया हुआ है, मतलब डाल दिया हुआ है सूखने के लिए। और यहाँ पे जो नाश्ता बनाया था ना उसके बर्तन वगैरह मैंने धुल दिए हैं, तो अभी इनको मैं इनकी जगह पे लगा दूंगी। और मैंने साथ ही साथ ना मैंने आलू भी बॉईल कर लिए हैं, तो ये देखो मेरे आलू, अभी इनको मैश करना है। आज मैं बघार के नहीं बनाने वाली हूँ, मैं आज इसी में प्याज वगैरह कट करके डाल दूंगी, मतलब कच्चे वाला जो होता है ना वो वाले वैसे बनाते हैं ना, जो मैं वो वाले बनाने वाली हूँ। तो पहले मैं बर्तनों को पूरे को सेट कर देती हूँ,
क्योंकि नाश्ता बनाओ खाना बनाओ बर्तन तो हो ही जाते हैं बहुत ज्यादा वाले। तो बस अभी मैं बर्तनों को कट कर दूंगी और फिर बनाएंगे आलू के। तो आलू का मसाला खाना वो रेडी हो चुका, तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखो मेरा आलू का जो मसाला है ना वो रेडी हो चुका है। इसमें मैंने ना आज मैंने इसको मतलब वैसे कढ़ाई में बनाते हैं ना मसाला वैसा नहीं बनाया, मैंने सिंपल वाला बनाया। इससे मैंने आलू डाले हुए हैं, हरी मिर्ची डाली हुई है, लाल मिर्ची डाली हुई है, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप लोग डाल लेना। मैंने हरी डाली थी, मेरे पास थोड़ी सी हरी कम थी ना इसलिए मैंने लाल डाल दी हुई है। प्याज डाला हुआ है और इसमें जितने भी ये सारे मसाले हैं ना सब कुछ डाल दिया। और ये एक मसाला मैंने अलग से ऐड किया हुआ, ये है मैगी मसाला, बस मैंने ये सिर्फ डाला हुआ है, बाकी मैंने और ऊपर से कुछ नहीं डाला। मेरे पास धनिया पत्ती भी नहीं है तो मैंने नहीं डाली हुई है। अभी शाम में जाऊंगी लेने के लिए तो फिर मैं ले आऊंगी। तो मेरा मसाला बनकर रेडी हो चुका है, बस अब मैं डो रेडी कर लेती हूं। तो मेरा डो बनकर रेडी हो चुका है और अब मैं बना ले रही हूँ आलू के पराठे। और आज मैं लास्ट टाइम आलू के पराठे बना रही हूँ, मतलब मैं आलू के पराठे तो बनाती रहूंगी, बट इस घर में लास्ट टाइम आलू के पराठे बना रही हूँ क्योंकि ये घर और ये शहर छोड़ के जाने का हमारा टाइम आ चुका है। बट अब क्या कर सकते हैं, हनी का ट्रांसफर हो गया है ना, तो ये घर और ये शहर छोड़ के हमको जाना पड़ेगा। बट अब हनी की जॉब ही ऐसी है ना कि साल दो साल में ट्रांसफर हो जाएगा तो हमको इस सिटी से उस सिटी जाना पड़ेगा। बट जैसे जैसे हम यहाँ के लोगों से घुल मिल गए हैं ना तो वैसे ही हम लोग का ट्रांसफर हो गया, तो वो अच्छा नहीं लग रहा था। बट अब क्या करें, इन लोगों को छोड़ के जाने का भी मन नहीं कर रहा है, बट अब क्या करें, जॉब है तो जाना भी पड़ेगा। बट नई चीज़ें हमारा इंतज़ार कर रही हैं, नया एक्सपीरियंस, अच्छा बुरा जो भी है उन सारी चीज़ों को भी हमें फेस करना है। नया एक्सपीरियंस लेंगे और नई सिटी आपके साथ घूमेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ जैसा भी अच्छा है बुरा एक्सपीरियंस होगा सब कुछ शेयर करेंगे। और अब इन लोगों से तो हम लोग लाइफ टाइम के लिए जुड़ गए, ऐसा तो नहीं था ना कि हम लोग यहाँ रह रहे हैं तभी इन लोगों से जुड़े हुए हैं, यहाँ से जाने के बाद हम इनको भूल जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। वे डिजिटल ज़माने में जीते हैं तो फ़ोन है, जब मन करेगा फ़ोन कर लेंगे, व्हाट्सअप कॉलिंग कर लेंगे, इंस्टाग्राम फेसबुक और यूट्यूब से तो हम लोग जुड़ ही चुके हैं एक दूसरे से, तो वो तो लाइफ टाइम के लिए अब जुड़ चुके हैं, तो ये रिलेशनशिप तो कभी ख़त्म नहीं होना। शाम और मैं जाऊंगी अभी प्लांट्स में पानी देने के लिए। और मेरे पास जो दो एरिका के प्लांट है ना वो उनकी जो लीव है ना वो दोनों प्लांट की सूख गई है, तो मैंने ना उनकी लीव को कट कर दिया हुआ है सूखी हुई को। और जो एक नई आ रही थी ना वो तो आ ही रही है, अभी तक अच्छे से फैली नहीं हुई है। जब वो अच्छे से हो जाएंगी ना तो उसमें लगेगा कि हाँ एरिका का प्लांट है, बाकी उसकी लीव ना पूरी सूख गई, तो मैंने पूरा ही उसको कटिंग शटिंग कर दिया है। दोनों एरिका के प्लांट में ऐसा हो गया है तो मैंने दोनों की कटिंग कर दी हुई है, बस अभी दोनों में ही एक एक नई लीव आई है, तो देखती हूँ कितने दिन में बड़ी होती हैं वो और मतलब खिल जाएंगी वो प्रॉपर तरीके से। और जो एक और था ना इनडोर प्लांट वो उसको तो मैंने आउटडोर में रख दिया था, तो वो भी अच्छा होकर और उसकी एक लीव टूट गई थी ना, तो मैंने ना उसको फेंका नहीं था, मैंने ना साइड में ही छोटू सा हॉल करके ना उसको गाड़ दिया था वहीं पे, ताकि कि वो जड़ पकड़ लेगा तो अच्छा हो जाएगा। तो वो भी उसने जड़ पकड़ ली और वो अच्छे से हो गया। बाकी इनडोर वाला जो प्लांट है ना उसमें अभी फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, पता नहीं जब सीजन में आते होंगे ऐसा होगा कि ठंडी ठंडी में आते होंगे, अभी तो नहीं आए, दो ढाई महीने से मैं देख रही हूँ उसमें नहीं आया, जब मैंने आप लोगों को दिखाए थे ना तभी आए थे, उसके बाद तो अभी उसमें कोई फ्लावर्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। पानी दे दिया हुआ है और अब हम पियेंगे दूध। मैंने अभी उसको जस्ट गर्म किया और हनी बोले मैं नहीं पीऊँगा तुम पी लो, तो फिर मैंने अपने लिए ही बनाया। वो इतना दूध पीना प्रेफर नहीं करते, उनका मन करेगा तो पिएंगे नहीं करेगा तो नहीं पिएंगे। और अभी होने वाली है रात, मतलब रात ऑलमोस्ट, मतलब आजकल तो 7-7:30 बजे तक भी उजाला रहता है ना, तो बस अभी तो उजाला ही। और आपको दिखाऊँ, ये देखो यहाँ पे कितना उजाला दिख रहा है ना, तो ये ना अभी 7 बज रहे हैं तब का उजाला है। और मैंने ना दिन में दूध नहीं पिया था, मैं अभी पी रही हूँ इसलिए क्योंकि मैं दिन में कुछ काम करने लग गई थी तो मैंने दूध नहीं पिया हुआ था, तो मैंने सोचा कि चलो मैं अभी फ्री हो गई तो अभी पी लेती हूँ, और फिर नहीं तो फिर क्या होगा ना कि फिर मुझे नाइट में, मतलब अभी मैं 8 बजे के पहले जो कुछ भी मुझे खाना रहेगा तो मैं खा लूँगी, और मैं 8 बजे के बाद नहीं खाऊँगी क्योंकि आजकल ना मतलब मैं जब से घर इधर उधर हो रही हूँ ना, मतलब मेरी डाइट पूरी बिगड़ चुकी है, कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी एक्सरसाइज वगैरह तो कुछ भी नहीं हो पा रही है। अभी रिटर्न आए हैं तो अभी रोटेशन में आएंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। और रोटेशन में आते आते ही ना यहाँ से जाने का टाइम भी आ जाएगा, तो अभी देखते हैं क्या होता है। अभी
जिमिंग वगैरह मतलब योगा एक्सरसाइज वगैरह जो हम घर में करते हैं जिम से रिलेटेड सारी चीजें वो अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही। मैं घर भी गई थी तो मैंने घर भी दो तीन दिन की उसके बाद नहीं की, फिर इधर उधर करने में आधी एक्सरसाइज तो हो गई तो मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ है। तो अभी देखते हैं, डाइट वगैरह भी कुछ नहीं कर पा रही हूँ और वेट भी मैंने नहीं किया हुआ है कि वेट कितना बढ़ गया है कि कितना क्या हो गया है, अभी देखते हैं उसको भी करेंगे और एक्सरसाइज के लिए भी कुछ करेंगे, योगा शोगा के लिए भी कुछ करेंगे। पहले सारी चीज़ें सेटल हो जाए उसके बाद सारी चीज़ें करूँगी, क्योंकि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता, अभी बहुत ज़्यादा हॉच पॉच लाइफ चल रही है ना इसकी वजह से। तो चलो अभी मैं फिनिश कर देती हूँ अपना जो मेरा दूध रखा हुआ है वो, और आजकल ना हम लोग इसमें पानी पीते हैं, ये तांबे का जग है ना, हम लोग इसमें पानी पीते हैं तो इसमें बहुत सारा हम लोग पानी भर लेते हैं, बॉटल भी ले लेते हैं पर हम लोग इसमें भी पानी भर के रखने लगे। और आजकल ना हम लोग ये किचन में रखते थे पहले तो किचन में ध्यान नहीं आता था तो हम लोग यहाँ रखने लगे, तो अभी हम लोग इधर ही जब ये दिखता है तो इसी में से पानी पी रहे, तो जब ये खाली हो जाए तो हम इसको भर देते, क्योंकि इसका पानी पीना बहुत अच्छा रहता है ना सेहत के लिए, तो हम लोग इसका पानी पीते रहते हैं। और वैसे उधर रहता है ना किचन में तो मैं यूज़ में जितना भी करती थी ना पानी, अधिकतर टाइम मैं इसी का पानी यूज़ करती थी, कभी कभी होता था कि मैं बॉटल वाला पानी यूज़ कर लेती थी। तो मैं अगेन अपनी बातों से भटक रही हूँ, तो चलो अभी मैं करती हूँ अपने वीडियो का एंड। अगर आज वाला मेरा वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बाय बाय, चेक कीजिए। और हाँ, इसका पानी कौन कौन पीता है मुझे कमेंट सेशन में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना, मुझे आपकी कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।